सिर्फ मोदी साहब देखने की ख्वाहिश ही ख्वाहिश थे, हर ख्वाहिश सरकार सदस्य उन्होंने पूरी फरमाई, जो मोदी साहब देखना था सरकार सदस्य उन्होंने दिखा दिया। हद तो ये है कि बुखारी शरीफ में हदीस मिलती है कि एक मरतबा को अभी जहन में आकर हज के लिए सरकार सदस्य किया कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो इस्लाम के टुकड़े कर दीजिए। बुखारी शरीफ की रिवायत मिली थी, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उसी वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली उठाई, चांद की तरफ इशारा किया दो टुकड़े होने के लिए, तो चांद के उसी वक्त दो टुकड़े हो गए। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हमारी आंखों ने देखा कि चांद इस तरह दो टुकड़े हुआ कि चांद का एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ था, चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ था। धोखा खाने का कोई इंसान नहीं है, उसमें कंफ्यूज होने का कोई शायबा नहीं है। फरमाते हैं चांद के दो टुकड़े हुए तो इस तरह हुए कि मैंने अपने सर की आंखों से देख लिया कि चांद का एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ था और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ था। इतना बड़ा मौजूदा देखा, टुकड़ा से नहीं मानना था, नहीं माना। ये बात बड़ी अजीब वरीब लगती है। इसके बारे में आज के अकाबरी फरमाते हैं कि ये फर्क एक महीने मेरे लिए नहीं होता। हम देखते हैं हमारे समय के सबसे बच्चे एक महीने में 30-25 मेला तो नदी के जलते अटेंड कर देते हैं, सरकार और शाह उन्हें समझ में आ जाती है। जिसके बाद खिलाफ दूसरे बेहतर तरीकों में हम देखते हैं पूरा हदीस का दौरा कर लिया उन्हें, उसको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांत कर दी है। दिन दही पर हदीस पढ़ाता रहा, शेखुल हदीस है, लानत है उसकी हदीस दानी पर कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत ही उन्हें समझ गया। जिसकी अजमत दिल से तानों करने वाली हदीस पढ़ा रहा है उनकी हदीसों को उनकी अजमत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और आप उनके कहने चुके कि वो छोटा बच्चा जो मिला के चंद लड़कों में आकर सरकार की शान समझ गया, उसका दिल पाक है, सरकार के नूर का पर्दा उसके कल पर हो गया। और दूसरी जानी अबू जहल के दिल की आंखें लेकर अगर कोई पूरी हदीस का दौरा करा नहीं, पूरी जिंदगी हदीस पढ़ाते पढ़ाते शेखुल हदीस भी रहा और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नहीं समझ सका, इसमें हमको हैरत नहीं करना चाहिए। क्योंकि हदीस पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला मोदी साहब को नहीं देख रहा है, मोदी साहब के जिक्र को देख रहा है। जब मोदी जी को देखने वाला नहीं माना तो हैरत की बात नहीं है, तो मोदी साहब के जिक्र को देखने वाला नहीं माना तो हैरत की बात है। मोदी साहब है क्या बुखारी जी ने आपके टांग के टुकड़े होते हैं देखा है शेखुल हदीस? अबू जहल को देख लिया था, इन्हें बुखारी पढ़ा, आंखों से देखने वाला नहीं माना तो सुनने और पढ़ने और पढ़ाने वाले का मानना क्या करोगे? और हैरत तो ये है कि हदीस पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का क्या इंकार किया जा रहा है, हदीस पढ़कर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारक के मुकाबले की जा रही है, हदीस पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की अहमियत को उठाने की बात की जा रही है, हदीस पढ़कर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात पर शान शफात पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, हदीस पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का इंकार करने की कोशिश की जा रही है। और आगे बढ़कर हम देखते हैं तो ये नौबत आती है कि कुरान पढ़कर कुरान की आयतें पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बारगाह इलाही में वसीला होना को मशकूक किया जा रहा है। हम पूछते हैं कि तू वसीले का इनकार करने के लिए कुरान मजीद की जो आयत पढ़ रहा है तू मुझे बता तो सही कि ये आयत कुरान के लिए तुझे कैसे मानी? बहुत बड़े अलावा है मुलाजरा करके साबित करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नाम से वसीला नहीं है। क्या पेश करता तो मुलाजम गीता पेश करता, उपनिषद पेश करता, क्या पेश करता? कुरान पेश करता, कुरान की आयत पेश करता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला नहीं है। हम बोलते हैं कि कुरान की जो आयत तू पढ़ेगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीला नहीं बनने के लिए कुरान की जो आयत पढ़ेगा पहले उस आयत के बारे में साबित कर लेंगे वो कुरान है। ये तो कैसे मालूम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान के फोन पे लेते हैं हाथ के ऊपर नाजिल हुई सीता के तरह कुत्ता के ऊपर नाजिल हुई है फिर कौन बोले कुरान की आयत? अगर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरमियान में से हटा लिया जाए तो जिस आयत को तू वसीले के इंकार में पेश करना चाह रहा है सरकार का वसीला अगर हटा लिया जाए तो आयत का कुरान होना साबित हो जाएगा। अगर जिब्रील अमीन से मिलते थी अगर जिब्रील अमीन की मुलाकात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही आम लोगों से तो हम जिब्रील अमीन भी मिले ना वो कलाम पहुँचाए। अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से हटाकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए से बराह रास्त इल्म लेने की कोशिश करता है तो ये बहुत बड़ा इलीगल तरीका होगा, बहुत बड़ी मुजरिमाना कोशिश होती है। क्योंकि अल्लाह ताला जिब्रील के हाथों से हमको कुरान अता नहीं करवा रहा है, मुस्तफा के हाथों से अता करवा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सुन्नत को अच्छा फरमाता है कि हमने आप पर इस कुरान को नाज़िल किया इन्ना अनज़लना अलैक ऐसी आयत हमारे पास आती है कि फिक्र को हमने अल्लाह ताला ने उनका मैंने जिब्रील पर नाज़िल किया 6,666 आयतों में तो एक ऐसी आयत है तो बताइए कि अल्लाह ताला फरमाता हूँ कि मैंने कुरान को जिब्रील पर नाजिल किया। उनका काम है लाना पड़ता है कुरान जिब्रील के बारे में लिखा है कि वो लाते हैं पहुँचाते हैं लेकिन कुरान नाजिल जिब्रील पर नहीं हुआ। जिब्रील साहिब कुरान नहीं है, जिब्रील साहिब कुरान नहीं है, हालिब कुरान नहीं है। कुरान को नाजिल हुआ सरकार पर नाजिल हुआ। अब एक छोटी मिसाल होती है अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान की आयत आपको कब तो लिखा
अपने हमारे उस्ताद बोले सलाम मुसम शरीफ में खावा है। उस्ताद बोले बोले उस्ताद बोले मुसम शरीफ में बोलिए उससे पहले कि मुसम शरीफ को दखल करें, आप उसका बोले आप उसका हुक्म बोले उनके उस्ताद बोले। तो इस तरीके से सिलसिला होते होते सहाबा तक पहुँच पाए, सहाबा इकराम तक ये बात पहुँची कि सहाबा को कौन बोले कि कुरान की आयत है। अब्दुल्लाह बिन मसूद को किसने कहा कि कुरान की आयत है, ज़ैद बिन थाबित को किसने बताया कि कुरान की आयत है, और पूछा को किसने कहा कि ये कुरान मजीद की आयत है, उबैद बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसने बताया कि कुरान की आयत है। मानना पड़ता है, सर झुकाकर मानना पड़ता है, झुकने देखकर मानना पड़ता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो पता चला कि कुरान की आयत है। तू क्या कुरान की आयत पढ़कर सरकार के वसीले का इनकार करेगा? अगर तू कुरान की आयत को सरकार के वसीले के इनकार के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उस आयत का जो भी आयत तू पढ़ेगा उस आयत का कुरान होना सरकार के वसीले के बगैर क़यामत तक के लिए साबित हो जाएगा। मुनाजराबाद में कहीं तो आयत पेश करा, उस आयत को सरकार के वसीले के बगैर तू साबित करके वो कुरान है। इला यौमिल क़ियामा पूरी वहाँ की बिरादरी जमा होगी, इंसान और जिंदा करके रहे जमा होंगे क़ियामत तक। एक आयत तो क्या कुरान के हर्फ के बारे में साबित नहीं कर सकते कि कुरान है, अगर दरमियान से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान से बता दिया जाए। अली तआला इरामी इतनी हैरत की बात है कि सरकार के वसीले से तुझे पता चला कि कुरान की आयत है, उसी आयत को सरकार के वसीले के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बात दरअसल ये है कि जो कुरान को सरकार के चरण में पढ़ रहा है उसको भी कुरान सरकार के हाथों से मिला, जो सरकार की मुखालिफत में कुरान पढ़ रहा है उसको भी कुरान किसी और के हाथ से नहीं मिला, उसको भी कुरान सरकार के हाथ से मिला। कुरान तो सबको सरकार के हाथ से मिला, फर्क इतना है कि कोई नमक खाकर नमक हलाली कर रहा है, कोई नमक खाकर नमक हलाली कर रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कोई नमक हलाल है कोई नमक हराम है, कि जिसके हाथों से कुरान ले रहा है उसी की मुखालिफत में इंकार कर रहा है। वसीले के खिलाफ कुरान को साबित करना ये बात की बात है। मुनाजराबाद में कहीं कुरान को तू दलील के तौर पर पेश कर रहा है, उस कुरान का कुरान होना मुस्तफा के वसीले के बहुत सारी कहें अलीदानी इरादे होने की जाने में काट है। इस वक्त अल्लाह सुभान व तआला हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सिफात का ऐसा पलटो ऐसा मसल बनाया है तो उसको समझे बगैर मोमिन का ईमान कामिल हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वही अव्वल हूँ वल आखिर हूँ वल ज़ाहिर हूँ वल बातिन, वही अव्वल है वही आखिर है वही ज़ाहिर है वही बातिन है अल्लाह ताला। हालांकि ये बात बड़ी अजीब और अजीब लिखी है, तो अव्वल है वो आखिर नहीं हो सकता, आखिर है वो अव्वल नहीं हो सकता। आज सबसे पहले आए तो सबसे आखिर नहीं है, जो सबसे आखिर नहीं आए तो सबसे पहले नहीं आए, एक दूसरे की जिद है ऑपोजिट है, अव्वल का ऑपोजिट आखिर, आखिर का ऑपोजिट अव्वल है, जो अव्वल है वो आखिर नहीं, जो आखिर है वो अव्वल नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की शान ये है जो अव्वल हूँ आखिर हूँ, अव्वल भी वही है आखिर भी वही, ना उससे पहले कोई है ना उसके बाद कोई है, तो मतलब क्या अगर यहाँ दावे करना पड़ता है समझना पड़ता है कि कुछ कोई नहीं थे खुदा था, जब कुछ ना होगा खुदा होगा, वही सबसे पहले था वही सबसे आखिर में होगा। फिर ईर्षा होता है वह बाहर और बातिन, बाहर भी वही है और बातिन भी वही है। फिर ऐसी बात है जो बाहर है वो बातिन नहीं हो सकता, जो बातिन है वो बाहर नहीं हो सकता, ऑपोजिट नहीं होगी, बाहर का ऑपोजिट बातिन, बातिन भी बाहर, बाहर भी है बातिन भी है, तो मतलब क्या अब समझना पड़ता है। जाहिर है का मतलब ये कि अल्लाह ताला की ज़ात तो जाहिर नहीं है लेकिन उसके अफ़ार जाहिर हैं, अल्लाह ताला की कुदरत को तो इंसान देख रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने काफिरों को दावत गौर फिक्र देते हुए कई मुकाम पर लखनऊ इरशाद फरमाया है, पूछते थे मक्के के काफिर की क्या निशानी है अल्लाह ताला की कुदरत की, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कई मुकाम पर कुरान मजीद में मज़मून के निशानी ढूंढने वाले तुझे अजीब और गरीब तरीके से निशानियों को ढूंढने से बढ़ने की ज़रूरत नहीं, तुझे अल्लाह ताला की कुदरत का तमाशा देखना है, जिधर तू ठहरा है सर उठाकर आसमान को देख ले वही आसमान अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी, घर झुकाकर जमीन को देख ले वही जमीन अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी। इतनी बड़ी आयत बनाया जमीन को उन्होंने आया कि खल्क़ समावात के अंदर इंसान की तमाम ज़रूरतों को अल्लाह ताला जमीन से जमीन पूरा कर रहा है, इंसान को उजड़ा मिलती है जमीन से, लिबास मिलता है जमीन से, इस्तेमाल की तमाम अशिया मिलते हैं जमीन से, इससे बड़ी कुदरत की निशानी और क्या मनाते हैं। सोना निकलता है जमीन से, चांदी निकलती है जमीन से, पेट्रोल से निकल रहा है तो जमीन से, इंसान खाएगा तो क्या खाएगा, या तो फल खाएगा वो भी जमीन से निकलता है, तरकारी खाएगा तो भी जमीन से निकलता है, गल्ले खाएगा तो भी जमीन से निकलता है, अनाज खाएगा तो भी जमीन से निकलता है, पहनेगा तो कपड़ा, कपड़ा कैसा बना तागे से, तागा किससे बनी है रुई से, रुई किससे बनी कपास से, कपास कहाँ से बनी जमीन से बनी, आसमान के पत्ते की जाए तो वहाँ कपड़े का मामला भी जो आकर मौजूद होता है जमीन से मौजूद होता है, रोटी कपड़ा मकान इंसान की तीन दुनिया की जरूरत है, घर है घर बना तो किससे बना, ईंट से बना होगा, पत्थर से बना होगा और किससे बनता, गिट्टी से बना होगा, सीमेंट से बना होगा और किससे बनता, अधिकारी ग्राम ये तमाम लेके लिए मिलता है जमीन से, जिस माइक पर खड़े होकर मैं आपसे देखता हूँ बताऊँ कि लोहा है, लोहा कहाँ से मिला जमीन से, ये जो वायर है प्लास्टिक का है, प्लास्टिक कैसा बनती है
ظاہر سی بات نہیں پلاسٹک کے بناتے ہیں جانوروں مخصوص جانوروں کی رگوں میں مسالے وغیرہ وغیرہ پلاسٹک بناتے ہیں تو وہ پلاسٹک بنا جانوروں کی رگوں سے جانور رہتے کہاں ہیں زمین پر کھاتے کہاں سے ہیں زمین سے اگر زمین سے چارہ نہیں ملا تو جانور کھائے گا کیا زمین سے پانی نہیں ملے گا تو پیے گا کیا رہنے کے لیے زمین نہیں ملی تو پیدا ہو گئی پیدا ہونے والی باقی نہیں کہتی کیسے تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں سونا اور چاندی جو زیورات کے طور پر استعمال ہوتا ہے آ رہا ہے جو ریزائش کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بھی کہاں سے نکل رہا ہے زمین سے موجودہ زمانے میں تو پیٹرول کا بڑا غور ہے پیٹرول بھی کہاں سے نکل رہا ہے زمین سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کی جسمانی ضرورتوں میں سے ہر ضرورت کو زمین کے ذریعے پورا کرتا ہے دوا کو آپ لے لیجیے میری خوشیوں سے بنتی ہے وہ بھی زمین سے نکلتی ہے نمک لے لیجیے زمین سے نکلتا ہے شکر لے لیجیے زمین سے نکلتی ہے کھارا لو مٹھا لو کڑوا لو دوا لو غذا لو بہت دھن لے لیجیے سرکاری لے لیجیے گندے لے لیجیے مطلب یہ کہ ایک انسان اپنی زندگی میں اپنی سدھیارت پھیلانا ضروری نہیں سمجھتا آپ سمجھ سکتے ہیں آج صبح کو دے سکتے کتنی چیزیں آپ سے بنتی ہیں آپ کو کال کر لیجیے اور بتائیے کہ اگر اس میں کوئی ایسی زمین سے نہیں ملی ہو تو بتائیے اور ہم تو یہ ہے کہ سائنس تو اس بات کو تبدیل کر چکی ہے کہ یہ جو ہوا جسے ہم سانس لیتے ہیں وہ ہوا کی زمین ہی پر پائی جاتی ہے زمین سے ایک مخصوص مسافت طے کر کے جب اوپر اٹھ جاتے ہیں تو پھر وہاں ہوا نہیں پائی جاتی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس ہوا کا تعلق بھی زمین سے تو وہ پلانٹ جس کو ارتھ کہتے ہیں جہاں انسان کی زندگی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت کی نشانی بنایا سب لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مہاراج ڈھونڈنے سے پھرنے کی ضرورت نہیں سر جھکا کر اٹھا کر آسمان کو دیکھ لے اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی سر جھکا کر زمین کو دیکھ لے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی قدرت کو ظاہر کیا تو ایسا ظاہر کیا کہ اپنا نام رکھا افغان ہے ظاہر ہو جانے والا ظاہر ہوا تو ایسا ظاہر ہوا کہ دادی دادی ستا ستا بھٹا 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 خطرہ خطرہ اس کے وجود کی بھی گواہی دے رہا ہے اس کی پہچانے کی بھی گواہی دے رہا ہے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھر کے درخت سانے سب سر نظر ہوشیار ہر برس دفتر ایک پاس سکے کے ملا یعنی اگر نظر ہوشیار ہو دیکھنے والی نظر ہو ہر درخت کا ہر پتا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک بہت بڑا دفتر ہے ایک ایک درخت اپنے کا ایک بہت بڑی لائبریری ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان حاصل ہوتا ہے ظاہر ہوا تو ایسا ظاہر ہوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کون سی دا ہے کہ جس دا سے تیرا نور نہیں پر ان آنکھوں سے تجھے روکنا بختوں میں چھپا تو ایسا چھپا کہ آنکھوں سے دیکھنا بختوں نہیں ظاہر ہوا تو اپنی قدرت کے تماشے دکھا رہا ہے اسی لیے کسی کہنے والے کو کہنا پڑا کہ خوب پڑ رہا ہے کہ خدمت سے لگے بیٹھے ہو صاف سنتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں چھپا تو ایسا بھی نہیں چھپا کہ کچھ دکھا رہا نہیں سب کچھ دکھا رہا پھر بھی اپنی صورت کسی کو نہیں دکھا رہا مطلب اپنا جلوہ کسی کو نہیں دکھا صورت کو تو اللہ تعالیٰ صورت سمجھ میں پاک ہے اپنا جلوہ کسی کو نہیں دکھا رہا بے حجابی وہ کہ ہر بندے سے جلوہ آج کا اس پہ گھومے ٹو کی صورت آج تک نہ دکھا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں کہ حضرت اللہ آپ جانتے ہیں لن ترانی ولا تمنظر الی الجبل تم مجھے تو نہیں دیکھ سکتے اللہ پہاڑ کو دیکھو یہ سخرا مکانا ہوں تو فوق ترانی وہ پہاڑ اپنے جگہ ٹھہرنے جاتا تو مجھے دیکھوں گے پہاڑ ٹھہرنا کا موسیٰ علیہ السلام دیکھا نصیرہ کیا نکلا جعل مسکا و خصا موسیٰ طریقہ ہوش اڑتے رہے سور چلتا رہا ایسا بلوا دکھانے سے کیا فائدہ فکر کے ایک ریلی دیکھے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے علی تعالیٰ کی رانی یہ تو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے موسیٰ کا ہوش رکھ بیک پر چلے سفار تو عین باتیں بھی لگے رہے تھے حضور نے موسیٰ نے صفت کی تجلی دیکھی ہوش میں بیٹھے یا رسول اللہ آپ کی ہمت کی کیا ہمت ہے آپ نے عین ذات کا